सामने उनके फनेटिक स्क्वाड है। एस ने डाउन किया बोब डोब को, स्काउट को स्पॉट किया, इग्नाइट ने बढ़िया स्प्रे आता हुआ डाउन किया स्काउट को, प्रधान यहाँ पे फिनिश होते हुए आई गेस नॉक आउट हुए। सेल्स आतंकी सांगवान के द्वारा एक बार फिर से नॉकडाउन होते हैं। सोल इज ऑन फायर, पारितोष की बात करें स्काउट को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। लेग स्टम्प की स्क्वाड थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंसती हुई जोन के बाहर है। रिवेंस रिलोक प्ले जोन के बाहर से डाउन, जी गॉट डाउन होते डाउन करते हुए एक्सपेन ब्लाइंड को, प्रधान प्ले जोन के बाहर डाउन, टीएक्स माफिया भी प्ले जोन के बाहर डाउन, रिवेंस सोनिक रश करते हुए आई गेस फनेटिक स्क्वाड पे ही वो रश करेंगे। एश भी डाउन होते हुए ओमेगा के द्वारा, दूसरे साइड से ओमेगा यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए फनेटिक पे, पारितोष भी पूरी तरीके से स्पॉटेड है और वो भी नॉकडाउन हो जाएंगे। पीछे से ओमेगा को शॉट पड़ता हुआ, आई गेस सोल मॉडल का शॉट पड़ा या सांगवान का शॉट पड़ा, बर्न्स को डाउन हुए, त्रिलोक प्ले जोन के बाहर डाउन, ओमेगा डाउन हो चुके हैं। पाब्लो रैपजॉर्ट के द्वारा फिनिश होते हुए, सुब भी नॉकडाउन हुए, रैपजॉर्ट के द्वारा फिनिश भी होंगे, पारितोष यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए, टीम फनेटिक यहाँ पे सैंडविच होते हुए बाय रिवेंज लेक्सटम और यूएमई सीएसपीजी। जी गॉट डाउन, रिवेंज अक्षय प्ले जोन के बाहर डाउन, सेल्स के आतंकी अभी भी जिंदा है, बाकी सारे मैं ओके एंटिटी की स्क्वाड आई गेस इसी के साथ एलिमिनेट हो चुकी है। प्रॉब्लम है अभी भी बाकी सारे मेंबर्स के लिए, हर तरफ फाइट ही फाइट हो रही है। जल्दी से सभी को जोन में निकलना पड़ेगा, लेक्सटम को भी जोन में जाना पड़ेगा, फनेटिक स्क्वाड को भी जोन में जाना पड़ेगा, सोनिक अकेले यहाँ पे बचे हैं। लेक्सटम की स्क्वाड आई गेस एलिमिनेट हो चुकी है इसी के साथ, स्काउट ओपी ने फिनिश किया। सामने इनके चार के चार मेंबर बचे हुए, सोनिक के अकेले चार के चार मेंबर्स को डाउन कर सकते हैं या नहीं देखना पड़ेगा। एक नेट अगर इनके पास होता तो आराम से एक दो बंदे डाउन कर सकते थे, पर तो स्काउट एश और सब कोई उठ चुका है अब। और सेल्स की स्क्वाड दूसरे साइड पे, सीएसपीजी की स्क्वाड की बात करें तो उनके पास एक कंपाउंड है, टीम नंबर 21 सबसे ज्यादा सेफ है, 28 सेकंड फॉर द नेक्स्ट जोन। ओवेज दूसरे साइड से रोटेट करेंगे, सोनी की बात करते हैं तो चार के चार मेंबर रश करेंगे और प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। रिवेंज स्क्वाड पे जीरो किल इनके पास है, किल्स भी उतने अच्छे खासे नहीं है, सोनिक डाउन और इसी के साथ रिवेंज स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए स्काउट के द्वारा पकड़े गए। रिवेंज सोनिक चार किल अपने नाम किया इन्होंने, अभी के लिए जोन के अंदर मूवमेंट करना पड़ेगा। सोल के मॉर्टल काफी ज्यादा दूर है, वाइपर सांगवान अंदर के साइड जा चुके हैं, बीएफआर की स्क्वाड दूसरे साइड है, सेवन सीज की स्क्वाड एक बार फिर से बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए। सेल स्क्वाड की बात करें तो उनको भी जल्दी ही पुश करना पड़ेगा, सेल स्क्वाड और सीएसपीजी के बीच में आई गेस फाइट हो सकती है काफी ज्यादा होते हुए, बीएफआर भी बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए। बट सांगवान की बात करें, मॉर्टल यहाँ पे 420 ओपी को डाउन करते हुए विद दैट डीपी मॉर्टल ने फिनिश भी किया। फनेटिक स्क्वाड काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। अब जिक्सो की बात करें, प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए बट नहीं, मॉर्टल का एक और डीपी का शॉट पड़ा, परितोष और ओवेज दूसरे साइड पे नॉकडाउन पड़े हुए, एश और स्काउट उनको रिवाइव करेंगे। सीएसपीजी सर्विसेज के ड्रिगर अंदर के साइड पे जा चुके हैं, वीएफआर के रैपजॉर्ड सांगवान के द्वारा डाउन, वीरू बर्न्स को फिनिश करते हुए। मॉर्टल की स्क्वाड के तीन मेंबर्स अभी भी जिंदा, सेवन सीज के केवल ड्रिगर बचे हुए हैं और वीरू बचे हुए हैं शॉट देते हुए। इसी के साथ सीएसपीजी स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए टॉप थ्री टीम्स हमें यहां पे मिलता हुआ, 4v3v3 का सिचुएशन होता हुआ। टोटल 10 मेंबर्स अभी भी अलाइव है। सांगवान आगे के साइड पर रश कर रहे हैं, इनके पास एक गिली सूट आराम से लेट सकते हैं। एज जस्ट सामने वाले कंपाउंड में ओएस पारितोष और आई गेस 15 किल है सोल स्क्वाड के पास। सेल्स के पास यहाँ पे चार किल हैं, फनेटिक के पास भी लगभग पांच किल्स हैं। यस बिल्कुल, पांच किल्स उनके पास हैं अभी के लिए। जोन टीम नंबर जोन सभी के पास है एक्सेप्ट फॉर टीम नंबर 8, टीम नंबर 24 सोल स्क्वाड के पे पूरा का पूरा जोन है। आतंकी रश करते हुए एकदम अंधा रश किया उन्होंने और डाउन हुए। फनेटिक स्क्वाड पीछे से शॉट देगी, सेल्स इल्यूजन की स्क्वाड पे सोल वाइपर डाउन हुए एश के द्वारा और बढ़िया स्पॉटिंग, रॉक्स भी डाउन होते हुए परितोष के द्वारा। सेल्स की स्क्वाड प्ले जोन के बाहर ही डाउन हो जाएगी और शायद फनेटिक के पास एक अच्छा चिकन डिनर करने का मौका जरूर है। एल्यूजन की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए 4v2 का सिचुएशन होता हुआ, फनेटिक वर्सेस सोल होता हुआ। मॉर्टल नीचे से शॉट देने की कोशिश करेंगे, अभी भी जोन सोल के पास ही है, फनेटिक थोड़ा सा सोल के जोन के अंदर है। वाइपर की बात करें, रिवाइव करने गए हैं मॉर्टल और ओवेस आगे के साइड पे आते हुए। ऐश की बात करें, वो भी पीछे से कवर दे रहे हैं, पारितोष पीछे से कवर देते हुए रैंडम शॉट्स यहाँ पे चलता हुआ, वाइपर को पूरी तरीके से फिनिश किया पारितोष ने। 2v4 का सिचुएशन है, सांगवान नीचे के साइड पे लेचे हुए, उनके पास एक गिली सूट है उसका फायदा जरूर उठा रहे होंगे। मॉर्टल की बात करें, उनके पास भी एक कवर है बट नहीं, एक शॉट पड़ गया उनको। ओवेस की बात करें, काफी ज्यादा क्लोज जा चुके हैं मॉर्टल के, गिली सूट उनके पास भी है और ग्रोजा लेके घुसते हुए नजर आ रहे हैं बट सांगवान नीचे जस्ट लेचे हुए थे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ओवेस को नॉक किया। एश यहाँ पे रिवाइव करेंगे। पारितोष की बात करें, पीछे से कवर तो कर रहे हैं, देखना पड़ेगा सांगवान को कितने जल्दी स्पॉट कर सकते हैं। प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहाँ पे अभी के लिए
फेनेटिक पे, क्योंकि जोन में फेनेटिक को जाना है। सोल स्क्वाड पहले से ही जोन के अंदर है, मॉर्टल और सांगवान दोनों जोन के अंदर है, 32 मीटर्स दूर दोनों को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। ओएस में भी अब स्पॉट कर सकते हैं, एक नेट किया था मॉर्टल ने, काफी अच्छा नेट, ओएस को काफी सारा डैमेज भी दिया। जस्ट नीचे लेटे हुए मॉर्टल और ओएस ने स्पॉट किया, हेड दिख रहा उनका बट नहीं, नॉकडाउन किया एक बार फिर से ओएस को। ग्रोजा वर्सेस ग्रोजा, एश अभी भी जोन के बाहर है, फिनिश किया सांगवान, स्काउट भी डाउन होते हुए, एश दूसरे साइड पे, मॉर्टल एक बार फिर से डाउन करते हुए, पारितोष अकेले बचे हुए, 1v2 का सिचुएशन, सांगवान जस्ट सामने से आते हुए, सांगवान को डाउन कर सकते हैं, डाउन भी किया, जोन का डैमेज पड़ेगा, 1v1 का सिचुएशन है, मॉर्टल वर्सेस पारितोष, मॉर्टल जोन के बाहर है, देखना पड़ेगा क्या क्लच कर सकते हैं पारितोष अपनी टीम के लिए या नहीं। बट नहीं, सोल स्क्वाड चिकन डिनर लेते हुए विद आई गेस 20 किल्स के साथ चिकन डिनर लेते हुए सोल स्क्वाड 25,000 वॉचिंग है बॉयज, 10k लाइक्स फटाफट से हिट करो। कमेंट्री पसंद आ रही है तो नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा चैनल लिंक।